पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भरत गंगोत्री का। मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, आइए डालते एक नजर। भरत गंगोत्री जी, जानना चाहेंगे हाल ही में जो कि बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर अवार्ड जी आके गए थे, शहर की धोखाधड़ी की इमारतों के मुद्दों पर बड़ी चर्चा हुई थी, उसमें जो है राष्ट्रवादी से कोई भी नजर नहीं आया, ना तो एनसीपी से कोई कार्यकर्ता या फिर बड़ा कोई पदाधिकारी नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए मैडम को जो हमारे जिला अध्यक्ष है हरकरण कोरदामी, उनको फोन आया था कि आप और आपके नगर से सब वहाँ पे आइए, मगर हमने जब देखा कि वो मंच पे बीजेपी के नगर से जिन्होंने पहले पार्टी छोड़ के पार्टी को डुबाने का काम किया, पार्टी के साथ गद्दारी करके गए हुए लोग हैं, तो हमारा उनके साथ कोई वास्ता में था, इसके कारण आज वो हम वो प्रोग्राम में नहीं गए। और ये लोग हमेशा शहर को मिसगाइड करते हैं, आज तक शहर को मिसगाइड करते आए हैं। 2002 से आप देखेंगे तो जिस तरह अभी इलेक्शन आने वाली है तो ये कुछ ना कुछ मुद्दे को लेके शहर में अपनी वापस राजनीति को चमकाने के लिए आज मिनिस्टर को बुला रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, इसी तरह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे फंडा करते रहते हैं। आपको मैं सिलसिलेवार बताना चाहूँगा कि 2002 में सबसे पहला जब भी यहाँ पे वो लोग सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के लिए लोगों को आश्वासन दिया था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स आते ही माफ करेंगे, तो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और बहुमत के साथ उनको जिताया, मगर उन लोगों ने एक भी घर का न दुकान का न किसका भी टैक्स माफ नहीं किए, लोगों को गुमराह किया, लोगों ने उनके आश्वासन पे काफी साल रुके रहे, मगर बाद में उनको ब्याज देके अपना टैक्स चुकाना पड़ा। उसके बाद 2006 में जब 855 का मुद्दा आया कि हमारे माननीय आदरणीय शरद पवार साहब ने उल्लास नगर के लिए नया कानून निकाल के अपने को 855 बिल्डिंग और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंगें थी उनको बचाने का कानून निकाला, उसमें जो रेडी लिखनार था वो 2006 का लगने वाला था, उस वो टाइम में भी लोगों को मिसगाइड किया गया कि ये हम लोग सरकार से कम करके 25% पे लाएंगे, तो उस वजह से लोग रुक गए और लोगों ने रेगुलराइज में गए नहीं और आज तक उसका एक रुपया कम नहीं हुआ है। इस तरह लोगों को ये लोग मिसगाइड करते आए। इसके बाद आया 2003 में जब नया डेवलपमेंट 13 में नया शहर का डेवलपमेंट प्लान बना, उस प्लान में इन लोगों ने दिखाया कि ये बिल्डर के फायदे के लिए प्लान बनाया गया है, मगर आज आपको मैं बताऊं कि उल्लासनगर में कोई भी बिल्डर प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ये बिल्डरों के फायदे के होते तो यहाँ पे आज लाइन लगनी चाहिए थी, आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन तो क्या, यहाँ से सब निकल के बाहर जा रहे हैं, बिल्डर भी बाहर चले गए और यहाँ के रहने वाले भी उल्लासनगर छोड़ शहर के बाहर जा रहे हैं। इस तरह इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया और वो टाइम पे साकली करके मानव साकली बना के एक नंबर से लेके पांच नंबर तक इन्होंने निकाली और कैंडल मार्च निकाला और बताया कि भाई हम लोग ये डीपी प्लान पास होने नहीं देंगे और इसके अंदर हम नया ये करेंगे। एक इंच भी ये लोग कुछ चेंज नहीं करा पाए, कोई रिजर्वेशन घुमा नहीं पाए। तो जब भी ये इलेक्शन आती है या कुछ ऐसा आता है ये मुद्दे को उठा के खड़ा करते हैं और अपना उनका उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। इस बैठक में अनंत परांजपे जी ने जो है अहम भूमिका निभाई थी, अवार्ड जी से जो है बातचीत की थी, धोखाधड़ी की इमारतों को लेकर वो यहाँ पर लेके आए, यूटीए के तरफ से भी वो आए थे। तो जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि कुछ पत्र व्यवहार हुआ है जिसमें आनंद परांजपे जी को जो है पद से हटाने की बातचीत की गई है, ऐसा कोई पत्र दिया गया है जिला अध्यक्ष द्वारा? हाँ दिया गया है, वो जब से हमारी सत्ता बनी है तब से वो उल्लासनगर में खास करके आज जो हमारे पास पद है जिला अध्यक्ष हरकरण कोरदामी के पास, उनको डाउन करने के लिए वो उनका प्रयत्न चालू रहता है और जो लोग पार्टी छोड़ के गद्दारी करके गए हैं ये उनको ताकत देते रहते हैं। इस वजह से वो कंप्लेंट की गई है कि मेहरबानी करके हमारे ये जो समन्वयक है उल्लासनगर के उनको यहाँ से हटाया जाए, ये हमेशा पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। इस तरह से
कौर मैडम जी, आपसे जानना चाहेंगे, अहम बैठक थी, धोखादायक इमारत के रहवासी भी वहाँ पर मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिला अध्यक्ष जो है एनसीपी से, आप वहाँ पर नहीं मौजूद थी। लेकिन 15 दिनों के बाद जो एक बैठक की जो है बात की थी अवार्ड जी ने, उस बैठक में आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्या उस बैठक को लेकर आपसे कुछ विचार विमर्श किए गए हैं? नहीं, अभी तक अवार्ड साहब की तरफ से ऐसी कोई बैठक की मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की गई है, पर अगर अवार्ड साहब ने बोला है कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान वो ढूंढ के निकालेंगे और बैठक बुलाएंगे, तो 100% उनके माइंड में कुछ होगा। और अगर उनकी तरफ से कोई इस समस्या के समाधान के ऊपर हमारे साथ बातचीत होती है तो हम ज़रूर जाएंगे। शहर में धोखादायक इमारतों को लेकर राष्ट्रवादी की किस तरीके से भूमिका रहेगी? कल जो बैठक हुई उसमें आर्थिक चीज़ को लेकर भी जो है सरकारी स्टेटमेंट आई है सामने, तो शहर में किस तरीके से जो है राष्ट्रवादी काम करेगी धोखादायक को लेकर? देखिए, जो आर्थिक स्थिति की बात है वो तो कोविड के चलते आज पूरे देश की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, तो उसके बारे में मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर ने उसके बारे में जो भी चर्चा की है या समस्या का समाधान ढूंढने की बात की है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ऑलरेडी इस समस्या को गंभीरता से लिया ही जा रहा है, और हमारा तो काफ़ी समय से, खास करके अध्यक्षता पद आने के बाद से ही इस समस्या के ऊपर काफ़ी गंभीरता के साथ स्टडी चालू है। इसमें कुछ एक टेक्निकल दावपेच होने की वजह से हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं या नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर हमारी उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना है जो इनका शिकार हो रहे हैं, और जल्दी ही कोई ना कोई हम ज़रूर अपने वरिष्ठ नेताओं के पास गुहार लगाएंगे कि भी कोई ना कोई इस उल्लासनगर की समस्या का बीच का रास्ता निकाल के, ताकि लोगों को सहूलियत और आसानियत मिल सके। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।